Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में अब तक हमने बहुत सारे राजनीतिक चिंतकों के बारे में बातचीत की है आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बारे में बातचीत करेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिनका राजनीतिक जीवन जितना आज़ादी के आंदोलन के दौर में रहा उतना ही राजनीति के आज़ादी के आंदोलन के बाद के दौर में भी रहा उनकी जितनी सक्रियता आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी तकरीबन उतनी ही सक्रियता वो आज़ादी के आंदोलन के बाद के दौर में भी रखे रहे, और उन्होंने अपने लेखन के द्वारा अपनी राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा लगातार भारत की राजनीति में सशक्त हस्तक्षेप किया आज हमारी यह कोशिश होगी कि हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन उनके कार्यों और उनके राजनीतिक विचारों के कुछ महत्वपूर्ण आयामों से आपका परिचय करवाएं हमारी जो पूरी चर्चा है उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा सबसे पहले प्रस्तावना और आरंभिक जीवन के चर्चा करने के बाद हम यह बताएंगे कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किस तरह से प्रवेश किया मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी आ, किस तरह की भूमिका रही द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो किस तरह की विचारों के साथ सामने आए कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र पार्टी का उन्होंने किस रूप में गठन किया 1965 में मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही उन्नीस के चुनावों को उन्होंने किस तरीके से देखा और फिर हम कुछ उनके वैचारिक योगदानों पर भी बातचीत करेंगे जिसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के विरोध का जो उनका तर्क था या और स्वतंत्रता पार्टी के पक्ष में जो उनका तर्क था उनको हम देखेंगे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थन में उन्होंने जो बातें कही हम उसकी समीक्षा करेंगे अंग्रेज़ी की आवश्यकता पर उनके द्वारा जो जोर दिया गया आज़ादी के बाद के दौर में उसका हम विश्लेषण करेंगे पिछड़ों की सहायता के लिए आर्थिक आधार को स्वीकार करने के पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिया उन पर हम विचार करेंगे चुनाव सुधारों के बारे में उनके सुझावों को हम एक तजर पे रखेंगे कि वो उसमें कौन से प्रमुख पाते हैं और राजगोपालाचार्य के विचारों की सीमाओं पर भी हम विचार करेंगे और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बातों पर ध्यान देंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी या सीआर के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है ये एक भारतीय राजनेता लेखक वकील और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे वे अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बन गया तो यह पद समाप्त कर दिया गया था वे भारत में जन्मे एकमात्र गवर्नर जनरल भी थे क्योंकि इस पद पर पिछले सभी धारक ब्रिटिश नागरिक थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री बने तो स्वयं मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था तो वो उसके प्रधानमंत्री रहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भारतीय संघ के गृह मामलों के मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया अब हम राजगोपालाचारी के आरंभिक जीवन पर एक नजर डालेंगे राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को ब्रिटिश राज के मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम जिले के धर्मपुरी तालुक में होसूर के बाहरी इलाकों में थोरापल्ली गांव में हुआ था इनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकट राय अयंगर और माता का नाम सिंगरम्मा था उनके पिता थोरापल्ली गांव के मुंसिफ थे वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक हिंदू तमिल ब्राह्मण परिवार से थे दंपत्ति के पहले से ही दो बेटे थे नरसिम्हाचारी और श्रीनिवास उनकी आरंभिक शिक्षा थोड़ापल्ली के स्कूल में हुई थी राजगोपालाचारी होसूर आरवी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से अठारह में अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं अठारह सौ में 1894 में सेंट्रल कॉलेज बेंगलोर से कला में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की राजगोपालाचारी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की भी पढ़ाई की जहाँ से उन्होंने अठारह में कानून में स्नातक या बैचलर की डिग्री हासिल की राजगोपालाचारी ने अठारह सौ सन्तानवे में अलामेलू मंगलम्मा से शादी की उनके पांच बच्चे हुए तीन बेटे और दो बेटियां। 1916 में मंगम्मा की मृत्यु हो गई जिसके बाद राजगोपालाचारी ने अपने बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ली राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी ने महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी से शादी की राजगोपालाचारी का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश सार्वजनिक मामलों और राजनीति में राजगोपालाचारी की रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने उन्नीस में सेलम में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की 28 साल की उम्र में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए 1906 में कलकत्ता सत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया जो वार्षिक सम्मेलन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता था उसमें 1906 में वो शामिल हुए भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर वह बाद में 1911 में सलीम नगर पालिका के सदस्य बने 1917 में वह नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और 1917 से 1919 तक उन्होंने सेवा की 1919 में महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद राजगोपालाचारी उनके अनुयायों में से एक बन गए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वकालत छोड़ दी 1921 में वह कांग्रेस कार्य समिति के लिए चुने गए और उन्होंने पार्टी के महासचिव के रूप में काम किया 1930 के दशक में वे तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया इस समय राजगोपालाचारी ने भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वेदरत्नम के साथ नागपट्टिनम के पास वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा राजगोपालाचारी को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें त्रिचिनोपोली सेंट्रल जेल में भेज दिया गया बाद में उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया 1935 सौ में भारत सरकार अधिनियम के अधिनियमन के बाद उसके लागू होने के बाद राजगोपालाचारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्नीस के आम चुनाव में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मद्रास प्रेसिडेंसी के उप प्रधानमंत्री बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार 1937 के मद्रास चुनावों के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे अंग्रेजों द्वारा मद्रास प्रांत भी कहा जाता था वहाँ पर वह सत्ता में आई उनसठ वर्ष की आयु में राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले प्रधानमंत्री बने राजगोपालाचारी ने प्र, मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति अधिनियम उन्नीस जारी किया जिसके तहत दलितों और शनारों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया गया उसी वर्ष मदुरई में मीनाक्षी मंदिर भी दलितों और शनारों के लिए खोल दिया गया मार्च 1938 में राजगोपालाचारी ने प्रांत की किसान आबादी पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए कृषि ऋण राहत अधिनियम पेश किया उन्होंने शराब पर प्रतिबंध लागू किया लेकिन यह माना जाता है कि शराब पर प्रतिबंध के कारण बहुत तरह की आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई थी जिसके कारण आ, से कई तरह के लोक कल्याणकारी कामों को रोकना पड़ा लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था कि शराबबंदी का फैसला राजगोपालाचारी ने मद्रास के प्रधानमंत्री के रूप में लिया और हम बाद के दौर में भी देखते हैं कि कई राज्यों में इसे लागू किया गया और इसकी जो व्यावसायिक इसका जो पहलू है जो राजस्व का पहलू है उस पर अभी भी लगातार वाद विवाद होते रहता है और कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर भी इसके बारे में चर्चा की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है तो राज्य उसको उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्यों दखलंदाजी देनी चाहिए लेकिन उन्होंने राजगोपाल ने इस नियम इसको लागू किया और आ, उन्हें भी एक तरीके से उनकी सरकार को इसका एक आर्थिक दबाव झेलना पड़ा बहरहाल मद्रास के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोटे तौर पर हम आज मुख्यमंत्री ही कहते हैं उस समय उसके लिए प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल में आता था तो मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में राजगोपाल के कार्यकाल को शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी के अनिवार्य शुरुआत के लिए याद किया जाता है इस कदम ने उन्हें अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया द्रविड़ कशगम के संस्थापक पेरियार ई वी ने उन्नीस में स्कूलों में हिंदी सीखना अनिवार्य बनाने के सी गोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती गोपालाचारी के फैसले का विरोध किया और इसके लिए एक लंबा आंदोलन भी चला बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया उस समय राजगोपालाचारी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे गांधी की राजनीति से और उसमें आ, उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय थे कि हिंदी का प्रसार करने से राष्ट्रीय एकता में मजबूती आएगी और इसलिए वो हिंदी का प्रसार करने के लिए उन्होंने एक तरह का कानून बनाया लेकिन आ, काफी ज़्यादा विरोध हुआ इस कानून का तमिलनाडु में और हम यह कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडु में तमिल क्षेत्र में हिंदी के प्रभुत्व को लेकर जो एक गुस्से की भावना थी जो एक नाराजगी की भावना थी उसकी बुनियाद उस समय से ही पड़ी थी और इसमें इस ये जो कदम ये जो फैसला था आ, उस चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का उसने उन्हें काफ़ी अलोकप्रिय बना दिया और 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने उनके सहमति के बिना आ, जर्मनी पर युद्ध की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद आ, जो एक प्रमुख बात आई वह यह कि राजगोपालाचारी फिर गिरफ्तार भी हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसमें आ, राजगोपालाचारी जो थे आ, उस उन्होंने आ, एक अलग स्टैंड लिया और उन्होंने आ, यह कहा कि भारत को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का विरोध नहीं करना चाहिए दिसंबर 1940 में पहले तो वो गिरफ्तार हुए एक साल जेल की उन्हें सजा सुनाई गई लेकिन इसके बावजूद जो उनका एक स्टैंड था वह बहुत ही एक मज़बूत विचार पर आधारित था उन्हें यह लगता था कि जो ब्रिटेन है वह नाजी जर्मनी की तुलना में कम बुरा है और वो जिस तरीके से नाजीवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहा है तो उसमें भारत को उसका उसके प्रयासों में अड़ंगा नहीं डालना चाहिए और इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि इसके बजाय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों के साथ बातचीत करनी चाहिए तो आ, हम यह देखते हैं और यहाँ इस बात की समझ बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश में जितने सारे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हुए उनमें से अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी भी थे कई ने अपने तरीके से समाज के अलग अलग तबकों की सेवा करने की कोशिश की यह जरूरी नहीं है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले हर आंदोलन में सम्मिलित हुए हों लेकिन हम यह देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा में थे उन्होंने भी कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन करने के पहल का समर्थन नहीं किया गांधी के नेतृत्व में वह आंदोलन चला गांधी गिरफ्तार हो गए आम लोगों ने उस आंदोलन को काफ़ी लंबे समय तक संचालित किया राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी उसमें सम्मिलित रहे लेकिन हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लोग थे कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसका विरोध किया जो राजगोपालाचारी थे उनकी तरफ से इसका विरोध आया और भी कई जो हिंदू महासभा के नेतागण थे उन्होंने भी इसका विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो इसके आंदोलन के जल्द से जल्द दमन करने के लिए चिट्ठी लिखी अंग्रेज के अधिकारियों अंग्रेजी अधिकारियों को तो अलग अलग तरह की धाराएं उसमें थी और यह एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक चरित्र को भी दिखाता है बहरहाल राजगोपालाचारी की कहानी पर हम वापस आएँ तो उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम यह भी आता है कि शुरू से ही उन्होंने मुस्लिम लीग से बातचीत की वकालत की और वह उस समय मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग कर रहा था उन्होंने 1944 में भारतीय संवैधानिक उलझन का समाधान प्रस्तावित किया उसी वर्ष उन्होंने भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण के कई आयामों पर विचार प्रस्तुत किया इससे ऐसा लगा कि वे पाकिस्तान के निर्माण के पक्ष में हैं इससे राष्ट्रवादियों के बीच एक बड़ा विवाद शुरू हो गया उन्नीस से उन्नीस तक राजगोपालाचारी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में उद्योग आपूर्ति शिक्षा और वित्त मंत्री के रूप में काम किया उन्नीस सौ के समय कुछ समय के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल के रूप में काम किया राजगोपालाचारी ने जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया वह न केवल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे बल्कि इस पद पर आसीन होने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक थे वह मद्रास से भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए संविधान सभा में वे अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति और उपसमिति का हिस्सा थे उन्होंने धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर बहस में हिस्सा लिया उन्नीस के अंत तक नेहरू और राजगोपालाचार्य के बीच मतभेद सामने आ गए जहां नेहरू का मानना था कि हिंदू महासभा उभरते गणतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है वहीं राजगोपालाचारी का मानना था कि कम्युनिस्ट सबसे बड़ा खतरा है राजगोपालाचारी ने नेहरू के मजबूत सोवियत समर्थक झुकाव का भी कड़ा विरोध किया महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में नेहरू द्वारा लगातार नज़रअंदाज किए जाने से एक तरीके से वो थक गए थे आखिरकार उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया मद्रास लौट गए लेकिन फिर मद्रास में वे उन्नीस से उन्नीस तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से अलग होना और स्वतंत्र पार्टी का गठन यह भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम था मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे के बाद राजगोपालाचारी ने सक्रिय राजनीति से अस्थायी ब्रेक ले लिया इसके बजाय वे अपना समय साहित्यिक गतिविधियों में लगाने लगे राजगोपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधिकारिक इस्तीफा दे दिया कई अन्य असंतुष्टों के साथ जनवरी उन्नीस में उन्होंने कांग्रेस सुधार समिति सी आर सी कांग्रेस रिफॉर्म कमेटी का गठन किया बाद में इसका नाम बदल दिया गया 28 उनतीस सितंबर उन्नीस को मदुरई में आयोजित एक राज्य सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया गया मद्रास में उन्नीस में दो वर्ष बाद कि एक बैठक में एक नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया पूर्व रियासतों जैसे कि रामगढ़ के राजा कालाहांडी के महाराजा और दरभंगा के महाराजाधिराज के असंतुष्ट प्रमुखों द्वारा यह कल्पना की गई कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि एक तरीके से दक्षिणपंथी रुझान रखे और जिस रूप में कांग्रेस को नेहरू ढालना चाहते हैं उसका विरोध करें निश्चित रूप से स्वतंत्र पार्टी का चरित्र कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी था बाद में एन जी रंगा के एम मुंशी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और पटियाला के महाराजा इस प्रयास में शामिल हुए राजगोपालाचारी मीनू मसानी और रंगा ने भी इस पहल में जयप्रकाश नारायण को शामिल करने की कोशिश की लेकिन जयप्रकाश नारायण को शामिल करने में वो असफल रहे ये यह अपने आप में एक रोचक बात लग सकती है क्योंकि स्वतंत्र पार्टी दक्षिणपंथी रुझानों वाली पार्टी थी लेकिन उसमें वह आ, कांग्रेस विरोध के नाम पर या नेहरू विरोध के नाम पर जयप्रकाश नारायण को भी शामिल करना चाहते थे जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से उनका जुड़ाव था फिर बाद में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े पहले आम चुनावों के बाद चुनावी राजनीति से उनका मोह भंग हुआ और वो विनोबा के साथ सर्वोदय के काम में लगे हुए थे तो ऐसा राजगोपाल को लगा कि अगर जेपी इस पूरे स्वतंत्र पार्टी से जुड़ जाते हैं तो स्वतंत्र पार्टी की लेजिटिमेसी में वृद्धि होगी लेकिन निश्चित रूप से हम वैचारिक स्तर पर जे और स्वतंत्र पार्टी की पहल के बीच में एक तरह का अलगाव देख सकते हैं हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं है कि जेपी ने सिर्फ वैचारिक आधार पर इस प्रस्ताव को मना किया या फिर वे सच में सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते थे यह उनके मना करने का आधार बना बहरहाल उन्नीस में राजगोपालाचारी ने ऑपरेशन विजय की आलोचना की ऑपरेशन विजय में गोवा पर जो पुर्तगालियों का शासन था उसको औपचारिक रूप से खत्म किया गया था उन्होंने लिखा कि भारत ने सैन्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने की नैतिक शक्ति पूरी तरह से खो दी है और उसको कमजोर कर दिया है तो एक तरीके से जो नेहरू सरकार की यह सैन्यवादी हस्तक्षेप की नीति थी उसका उन्होंने विरोध किया कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के राजगोपाल के प्रयासों के कारण उनके पूर्व प्रतिद्वंदी द्रविण मुनेत्र खजगम के सीएन अन्नादुरई के साथ उनका समझौता हो गया पार्टी ने मद्रास राज्य विधानसभा के 94 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह सीटें जीती और साथ ही 1962 के लोकसभा के चुनाव में उसे 68 संसदीय सीटों पर जीत मिली एक महत्वपूर्ण घटना हुई राजगोपालाचारी के जीवन में 1965 में मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ उसके पहले भी हिंदी के बारे में उनके विचार धीरे धीरे तब्दील होने लगे थे लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने एक बहुत ही साफ रुख अपनाया 26 जनवरी 1965 के बाद से हिंदी भारतीय संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा बन गई गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया गया यह किया जाएगा ऐसी बात सामने आने लगी राजगोपाल को यह श्रेय जाता है कि वो उन्नीस में हिंदी को मद्रास में लागू करने वाले मुख्यमंत्री थे लेकिन वो बाद में अपने समर्थन से वो पूरी तरीके से अलग हट गए और उन्होंने एक जोरदार हिंदी विरोधी रुख अपनाया आगे जब हम इनके लेखन ही की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिर राजगोपालाचारी हिंदी को कम करके या पीछे करके क्यों रखना चाहते हैं और वो अंग्रेजी को वरीयता क्यों देखना देना चाहते हैं आगे हम उनके लेखन का जिक्र करते हुए इस पर विचार करेंगे उन्नीस के चुनाव सामने आए उस समय राजगोपालाचार्य की उम्र 88 वर्ष की हो चुकी थी इस अट्ठासी वर्ष के आयु में राजगोपाल ने द्रविण मृत कसगम स्वतंत्र पार्टी और के बीच एक के बीच एक गठबंधन किया और उस गठबंधन के माध्यम से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एकजुट विपक्ष बनाने का काम किया स्वतंत्र पार्टी ने अन्य राज्यों और लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया उन्नीस के आम चुनाव में इसने 45 लोकसभा सीटें जीती और सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी और यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि उन्नीस के चुनावों में जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और यह गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का जो पूरा एक जुमला था वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा आगे बढ़ाया गया था और फिर उसमें दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो भारतीय जनसंघ था उसका भी आ, उसे भी एक साथ लाने की कोशिश की गई और इससे जो सीटें थी कांग्रेस की उसमें कमी आई हालांकि कांग्रेस केंद्र स्तर पर सरकार बनाने में कामयाब हुई लेकिन बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के सरकार नहीं बन पाई उन्नीस के भारतीय आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ सी राजगोपालाचार्य की पार्टी ने लड़ाई लड़ी उनके गठबंधन ने इसमें लड़ाई लड़ी लेकिन गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा नवंबर उन्नीस तक राज्य गोपालाचार्य का स्वास्थ्य गिरने लगा और पच्चीस दिसंबर उन्नीस को शाम पाँच बज के चौवालीस मिनट पर चौरानवे वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई हम यह कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी का जीवन और उनका राजनीतिक जीवन का खासा लंबा रहा और अपने इस राजनीतिक जीवन में उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में और उससे बढ़कर देश की राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जीवन के हर क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय रहे और अपनी सक्रियता के माध्यम से उन्होंने बहुत तरह की रचनाओं को भी लिखा लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वह यह कि राजगोपालाचारी के राजनीति में कई तरह के मोड़ आए एक दौर ऐसा भी था कि महात्मा गांधी उन्हें अपने अंतकरण के रक्षक के रूप में भी रखते थे वो महात्मा गांधी के को कई सुझाव दिया करते थे और यहाँ तक कि जब अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी वट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू दी अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लास तो uh, इसके जवाब में uh, राजगोपालाचारी ने एक पुस्तिका लिखी और उसका जवाब दिया कि कांग्रेस ने किस तरीके से uh, दलितों को उत्थान के लिए काम किया है और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अपने पूरे जीवन में uh, जो एक महत्वपूर्ण धारा थी विचारों की उसके विपरीत जाने में कभी भी राजगोपाल को झिझक नहीं हुई जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा महात्मा गांधी ने तो उन्होंने इसके खिलाफ अपनी दलील प्रस्तुत की और उसी तरीके से जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता बहुत मजबूत दिख रही थी तो वो उसके विपरीत जाने का एक का साहस दिखा पाए जिसका सीधा सा अर्थ यह था कि राजनीतिक रूप से शायद वो अप्रासंगिक हो सकते थे लेकिन उन्होंने ना सिर्फ खुद को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखा बल्कि वो लगातार प्रासंगिक भी बने रहे और वह उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे आ, खास तौर पे हम मैं कहूँगा आज़ादी के बाद के दौर की जो अपनी राजनीतिक कार्यों के साथ लगातार साहित्यिक लेखन भी करते रहें धीरे धीरे करके यह प्रवृत्ति कम होती गई है आगे हमारी कोशिश यह होगी कि हम राजगोपालाचार्य के विचारों के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पड़ताल करेंगे निश्चित रूप से हम उनके विचारों के सभी आयामों को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके कुछ महत्वपूर्ण लेखन आ, के बारे में और उनके कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में अभी हम बात करेंगे सबसे पहली बात यह है कि राजगोपालाचारी कांग्रेस के प्रभुत्व का खासतौर पर आज़ादी के बाद के दौर में क्योंकि आज़ादी के पहले तो खुद कांग्रेस का हिस्सा थे तो आज़ादी के बाद के दौर में उन्होंने कांग्रेस के प्रभुत्व का लगातार विरोध किया उन्नीस में दूसरे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली केरल के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी उसे जीत मिली राजगोपालाचारी कांग्रेस के बढ़ते प्रभुत्व से काफी चिंतित हुए 17 अगस्त उन्नीस को स्वराज्य में लिखे एक लेख में उन्होंने यह रेखांकित किया कि एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उन्हें यह डर था कि कांग्रेस जिस तरीके से जीत हासिल कर रही है वह सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र में एक दल का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भीतर स्वस्थ और सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए उन्होंने यह भी लिखा कि भारत में विभिन्न प्रकार के विपक्ष की मौजूदगी है किंतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर न उठ पाने के कारण ये विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती देने में असमर्थ हैं इस दौर के अपने अन्य लेखन में उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस का बढ़ता प्रभुत्व देश में स्वतंत्र चिंतन के लिए खतरा बन गया है आ, इसका अर्थ यह था कि कांग्रेस की प्रचंड जीत से नागरिकों में विमर्श और नीतियों के स्तर पर सरकार और कांग्रेस के अनुरूप सोचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है वे मानते हैं कि एक सफल लोकतंत्र के लिए नागरिकों को जा का जागरूक होना और सरकार की नीतियों पर प्रश्न करने में समर्थ होना आवश्यक है इस कारण उन्होंने कांग्रेस के बढ़ते प्रभुत्व का विरोध किया और यह जो पहलू था वह अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसकी तरफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक इशारा कर रहे थे नेहरू अपने आप में बहुत लोकप्रिय नेता थे और उनकी नीतियाँ जन उन्मुखी भी थीं वो चाहते थे कि देश की जनता की भलाई हो वो स्वतंत्रता सेनानी थे कांग्रेस से जुड़े हुए अधिकांश नेता स्वतंत्रता सेनानी थे तो आम लोगों के बीच में उनकी वैधता काफ़ी थी लेकिन जिस पहलू की तरफ राजगोपाल आचार्य इशारा कर रहे हैं और जो आज भी बहुत प्रासंगिक है वह यह कि जो आम लोग हैं जो आम जनता है या जो पढ़ा लिखा तबका है उसके भीतर चाहे कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री हो चाहे कितना भी अच्छा नेता हो उसके नीतियों को लेकर एक आलोचनात्मक विवेक होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग या लोगों का एक बड़ा हिस्सा या लोगों का एक बड़ा अनुपात खुद को यह ऐसा मानने लगे कि जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही है और उसके साथ क्रिटिकली इंगेज करने या आलोचनात्मक रूप से उस पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा होता है तो राजगोपालाचारी यह मानते थे कि यह लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक होगा क्योंकि सफल लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर नागरिक जागरूक हैं और नागरिकों के जागरूक होने का मतलब यह है कि वे सरकार की नीतियों को सिर्फ जैसे वो सामने आ रही वैसे स्वीकार नहीं करते हैं भले ही सरकार का मुखिया कितना भी अच्छा हो भले ही उसकी अपनी लोकप्रियता कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह सरकार की नीतियों का सरकार के फैसलों का सरकार के कार्यक्रमों का की लगातार आलोचना करें उनकी लगातार समीक्षा करें और एक ऐसा जीवंत माहौल बनाए कि सरकार को बार बार अपनी नीतियों पर विचार करने की आवश्यकता पड़े सरकार और सरकार में बैठे लोगों को यह ना लगे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसे लोग बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेंगे तो इस बुनियादी आधार पर उन्होंने कांग्रेस के प्रभुत्व का विरोध किया उन्होंने यह माना कि कांग्रेस का प्रभुत्व जो है वह लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है और यही वो चिंता थी जिसके कारण से आगे चलकर उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया स्वतंत्र पार्टी के गठन के पक्ष में उन्होंने कुछ मजबूत तर्क रखे एक मजबूत विपक्ष देने की चाह से ही उन्होंने अगस्त अठारह में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया राजगोपालाचारी इसे भारतीय दक्षिण पंथी पंथ के दल के रूप में विकसित करना चाहते थे उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में कही न्यूनतम सरकार न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप प्रशासन पर न्यूनतम खर्च न्यूनतम टैक्स नागरिकों के निजी और पेशेवर कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप तथा उद्योग और व्यापार के न्यूनतम नियमों पर बल देना इन सब में जो एक न्यूनतम या मिनिमम शब्द है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैं एक अन्य बिंदु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा वह बिंदु है दक्षिण पंथ की एक समझ दक्षिण पंथ की हमारी समझ में यह बात भी सामने आती है कि आम तौर पर इसमें सामाजिक रूप से एक रूढ़िवाद होता है सामाजिक रूप से रूढ़िवाद का मतलब है कि एक खास समूह जिससे कोई दक्षिणपंथी दल या दक्षिणपंथी नेता संबद्ध होता है उसके अतीत को स्वर्णिम अतीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मिसाल के तौर पर हम जनसंघ को ले सकते हैं जनसंघ या भारतीय जनसंघ जिनके जिसके नेता दीनदयाल उपाध्याय थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसकी स्थापना की थी बाद में अटल बिहारी वाजपेयी बाद की शुरुआत से ही अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण आडवाणी जैसे नेता उससे जुड़े रहे और फिर यह दल समाप्त हो जाता है जबकि जे पी के प्रेरणा से 1977 में जनता पार्टी बनती है और 1980 में फिर से जनसंघ एक नए कलेवर में एक नए रूप में हमारे सामने आता है और उस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी तो जनसंघ एक दक्षिणपंथी पार्टी थी लेकिन वह दक्षिणपंथी पार्टी ऐसी थी जिसका आर्थिक नीतियों से ज़्यादा जोर इस बात पर था कि कैसे एक आदर्श हिंदू बहुलता या हिंदू प्रभुत्व वाले राज्य की स्थापना की जाए कई बार जो उसके ज़्यादा अवैचारिक रूप से कट्टर समर्थक थे वो हिंदू राष्ट्र की ही बात करते थे पर जो खुद को उदार मानते थे वो यह कहते थे कि हिंदुओं के प्रभुत्व यानी कि हिंदुओं की जो बहुलता है उनके विचारों की प्रभुत्व वाला राष्ट्र राज्य बनना चाहिए और उसमें जो एक अतीत है हिंदुओं का गौरवशाली अतीत वैसे आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए तो वो भी एक दक्षिण पंथ का रूप है लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि उस तरह के दक्षिण पंथ की राजनीति में आमतौर पर स्वदेशी की बात ज़्यादा उस समय की जाती थी लेकिन स्वतंत्र पार्टी ने जिस तरह की दक्षिण पंथ की वकालत की उसमें धार्मिक स्तर पर अतीत के महिमा मंडन की बात नहीं की गई उसमें धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों में भेदभाव करने की बात नहीं की गई बल्कि उसमें आर्थिक स्तर पर लोगों के जीवन के स्तर पर जो सरकार के दखलअंदाजी है जो सरकार का हस्तक्षेप है उसको कम करने की बात की गई तो इस समझ के आलोक में अगर हम न्यूनतम सरकार यानी कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए और प्रशासन भी कम होना चाहिए और इसलिए प्रशासन में कम खर्च होना चाहिए जनता पर टैक्स का बोझ कम होना चाहिए ऐसा नहीं हो सरकार हर बात में उससे टैक्स ले और फिर उसके आधार पर वह अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्यक्रम चलाए इसका उन्होंने विरोध किया नागरिकों के निजी और पेशेवर कार्यों में सबसे कम से कम हस्तक्षेप करने की उन्होंने बात की यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस चलाना चाहता है या अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाह रहा है तो राज्य का उसमें कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए और उद्योग और व्यापार में का, में जो रेगुलेशन है वो बहुत कम होना चाहिए ये जो एक बुनियादी मुद्दा था उस पर उन्होंने जोर दिया और यह एक महत्वपूर्ण बात थी वैचारिक स्तर पर क्योंकि उस समय कांग्रेस में समाजवादी रुझानों का बोलबाला था और स्वतंत्र पार्टी ने एक विकल्प के रूप में अलग तरह की नीतियों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया स्वतंत्र पार्टी ने टैक्स लगाने के बजाय इस तरह के माहौल बनाने पर बल दिया जैसे संपत्तिशाली लोग अपनी संपत्ति को समाज के ट्रस्ट के रूप में देखें यहाँ पर हम महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रभाव को भी देख सकते हैं गांधी जी ने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में यह कहा था कि जो आ, अमीर लोग हैं संपत्तिशाली लोग हैं या और भी जो लोग हैं उन्हें मानना चाहिए कि उनके पास जो भी संपदा है वह उनकी अपनी नहीं है बल्कि वह उसके ट्रस्टी या संरक्षक हैं तो स्वतंत्र पार्टी ने बहुत ही खूबी के साथ जो नेहरू की समाजवादी नीतियाँ थी उनके बरक्स आ, एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जिसमें संपत्तिशाली लोगों के पास उनकी संपत्ति रखने का समर्थन किया गया नेहरू सरकार जो टैक्सेशन कर रही थी जो इन लोगों पर टैक्स लगा रही थी उसके स्थान पर कहा गया कि जो स्वतंत्र पार्टी है उसका जोर इस बात पर होगा कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें कि जो अमीर लोग हैं संपत्तिशाली लोग हैं वो खुद ब खुद अपनी संपत्ति को दे दें गरीब लोगों की भलाई के लिए स्वतंत्र पार्टी ने आर्थिक मामलों में दक्षिणपंथी रुझान को अपनाया लेकिन जैसा मैंने पहले उल्लेख किया इसने धर्म या जाति के नाम पर किसी प्रकार के भेदभाव को नकारा यह मौजूदा समय की दक्षिणपंथी पार्टियों से अलग थी इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है जो कि स्वतंत्र पार्टी के संदर्भ में हम देख चुके हैं वो एक बार फिर से एक अलग लेखन में जो उन्होंने प्रकाश डाला है हम इस पर विचार करते हैं थोड़े अलग तरीके से कि उन्होंने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया आप सब लोग आ, में से अधिकांश लोग जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं मुझे उम्मीद है कि वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की अवधारणा से परिचित होंगे आ, बार बार आपके विषय में आ, अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन या फिर भारत में आर्थिक नीतियों के बदलाव की बात नई आर्थिक नीतियों को अपनाने की बात आती है उन्नीस में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो यह कहा जाता है और ये बात सही भी है कि जो एक नेहरूवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल था उसको नकार करके मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तो यह जो राजगोपालाचारी थे वो उस समय पचास के दशक के आखिर में और साठ के दशक में लगातार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन कर रहे थे नेहरू की आर्थिक नीतियों में राज्य को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई थी राजगोपाल यह मानते थे कि ऐसी नीतियाँ परमिट लाइसेंस कोटा राज को स्थापित करती हैं इससे उद्यमिता और निजी पहल को चोट पहुंचती है उन्नीस में लिखे एक लेख में उन्होंने खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन किया उनके अनुसार एक केंद्रीकृत और नियोजन वाली अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि इसमें लोगों की विविधता पर ध्यान नहीं दिया जाता है अलग अलग स्तरों पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति वाले होते हैं लेकिन केंद्रीकृत नियोजन में सब पर एक ही आर्थिक मॉडल थोप दिया जाता है इससे कुछ क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है किंतु व्यक्ति की आज़ादी और उद्यमिता को चोट पहुँचती है नौकरशाही की जकड़न और अनगिनत नियमों और नियंत्रणों के कारण व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता का दमन होता है उनके मुताबिक नियोजन या प्लानिंग पर आधारित आर्थिक मॉडल इस सोच पर आधारित है कि केवल कुछ लोगों के पास ही सोचने का सामर्थ्य है और सिर्फ ऐसे लोग ही बाकी जनता की भलाई के लिए काम कर सकते हैं उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध बनाने के निर्णय की भी आलोचना की क्योंकि इसमें कुछ गलती होने पर या भयंकर तबाही का कारण बन सकता है हालांकि वे यह भी कहते हैं कि बड़े बांधों या अन्य बड़ी परियोजनाओं के वो खिलाफ नहीं हैं किंतु उन्होंने सिर्फ इन्हें हर समस्या का समाधान मानने की प्रवृत्ति को नकारा राजगोपालाचार्य ने निजी उद्यम को बढ़ावा देने पर बल दिया उनके मुताबिक इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और समाज का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा इसके लिए उन्होंने केंद्रीकरण तथा कोटा परमिट राज को खत्म करने पर बल दिया उन्होंने नियोजन और प्रशासन के सरलीकरण और विकेंद्रीकरण पर बल दिया वे मानते थे कि सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की होनी चाहिए जो लोगों को आर्थिक और विकास की गतिविधियों आर्थिक गतिविधियों और विकास की गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करें अगर हम राजगोपालाचारी के इस तरह के लेखन को किसी व्यक्ति के सामने रखें और उसे लेखक का नाम ना बताएं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति ऐसा कहेगा कि यह जरूर उन्नीस या 1980 के दशक के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति की आलोचना करने वाले किसी व्यक्ति का लेखन है किसी अर्थशास्त्री का लेखन है एक तरीके से उनका यह लेखन एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जो कि बाद में उभर कर सामने आई जिसमें कि बार बार और बहुत ही साफ तरीके से जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी जो नेहरूवादी मॉडल जिसे माना जाता था जिसमें नियोजन यानी कि प्लानिंग को नियंत्रण केंद्र के स्तर पर नियंत्रण को महत्व दिया गया था उसकी एक विस्तृत सुचिंतित समीक्षा प्रस्तुत की है राजगोपालाचारी के इस लेखन ने जो कि बाद में उभर कर बहुतायत मात्रा में आई लेकिन चूंकि राजगोपालाचारी 1950 के दशक में ऐसा कर रहे थे इसलिए निश्चित रूप से यह उनके एक दूरदृष्टि वाले चिंतक होने की बात को स्पष्ट करता है राजगोपालाचारी ने इस पूरे मॉडल में कोटा परमिट राज की आलोचना की राजगोपालाचारी ने निजी उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया राजगोपालाचारी ने कहा कि किस तरीके से जो टैक्सेशन की पूरी व्यवस्था है वह लोगों में ज़्यादा उत्पादन करने की प्रवृत्ति को कम कर रही है तो इस लिहाज से जो एक आ, मुक्त बाजार के पक्ष में उनकी जो नीतियाँ थीं वर्तमान दौर में उस उन नीतियों के बहुत सारे समर्थक मिल जाएंगे और हमें यह भी मानना चाहिए कि वर्तमान समय में इसे एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य की भूमिका कम होनी चाहिए और अगर राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप करता भी है तो उसे मुख्य आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उसे निजी उद्यमता को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए उसे कोटा परमिटराज को खत्म करना चाहिए कम करना चाहिए हर मामले में जो रेगुलेशन या कंट्रोल यानी नियंत्रण की जो विधि है वह सही नहीं है तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जो राजगोपालाचारी अपने इस तरीके के लेखन में व्यक्त करते हैं जिसे अब एक स्वाभाविक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तो ये एक तरीके से आ, उनके आ, दुर्गामी सोच को भी दिखाता है उनके अः ये दिखाता है कि वह अपनी दक्षिणपंथी आलोचना में कितने सजग और दूर तक सोचने वाले व्यक्ति थे राजगोपालाचारी के बारे में जैसा कि मैंने आरंभ में बोला एक बात महत्वपूर्ण है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तमिलनाडु में हिंदी को लागू करने की कोशिश की वहाँ के स्कूलों की शिक्षा में जिसका काफ़ी विरोध हुआ लेकिन बाद के दौर में 1950 के दशक में धीरे धीरे करके वह हिंदी विरोधी आंदोलन से काफ़ी कुछ सहमत होते गए उन्हें उनके मन में उन्नीस में तो उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन का समर्थन किया लेकिन उसके पहले भी उनके मन में अंग्रेजी को लेकर एक समझ बनने लगी थी इस बात पर जोर देने लगे थे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता होनी चाहिए उसकी जरूरत है अंग्रेजी को हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं राजगोपालाचारी ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने का विरोध किया 15 फरवरी उन्नीस को स्वराज्य में पंचमाया या पांच भ्रम शीर्षक से प्रकाशित लेख में उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया उनके अनुसार यदि दक्षिण भारत के लोग विरोध करते हैं और इसके कारण अंग्रेजी राजभाषा बनी रहती है तो यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का ही प्रमाण होगा क्यों भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण होगा भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण इसलिए होगा क्योंकि यह दिखाएगा कि लोकतंत्र में हर प्रकार की आवाज़ का महत्व है और अगर देश के कुछ समूह यह मांग कर रहे हैं कि एक खास भाषा को राजभाषा बनाए देना बनाए रखा जाना चाहिए और फिर राज्य या केंद्र की सरकार इसे मान लेती है तो इसका मतलब यह है कि केंद्र की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को सुनकर काम करने में समर्थ है राजगोपाल आचार्य के मुताबिक विदेशी भाषा के रूप में आने के बावजूद अंग्रेजी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है यह आधुनिक ज्ञान और आधुनिक प्रगति का रास्ता खोलती है आज़ादी के बाद भारत ने अंग्रेजी को किसी विदेशी दबाव में कायम नहीं रखा इसे इसकी उपयोगिता के कारण कायम रखा गया और आगे भी ऐसा ही किया जाना चाहिए उन्होंने लोकतांत्रिक आधार पर सिर्फ हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किया यानी कि अगर बहुत सारे लोग उत्तर भारत के लोग ये मांग करते हैं कि हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए और उस उन लोगों की संख्या की गणना के आधार पर इसे राजभाषा बना दिया जाता है तो यह सही नहीं होगा उनके अनुसार इस आधार पर अन्य राज्यों की भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा देने को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है क्योंकि वहाँ भी लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं वे मानते हैं कि सभी दक्षिण भारतीय राज्यों और उत्तर भारत के शिक्षित व्यक्ति काफ़ी हद तक अंग्रेजी से परिचित हैं इसलिए यह भी लोगों की लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप माने जानी चाहिए इसके अलावा इस संदर्भ में राजगोपालाचारी ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी की सीमाओं को भी उजागर करते हैं अर्थात उनका यह कहना है कि हिंदी में विज्ञान आदि की पढ़ाई सिर्फ अनुदित किताबों पर ही निर्भर रहेगी आधुनिक ज्ञान की भाषा बनने के लिए इसे एक लंबा सफर तय करना है वे यह भी कहते हैं कि हिंदी को सीखना कठिन है इसे लागू करने से एकता के स्थान पर दक्षिण राज्य में विरोध में वृद्धि होगी इस तरह वे अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में कायम रखने की तरफदारी करते हैं और यह जो एक पूरे विचारों की श्रृंखला है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जब उन्नीस में हिंदी विरोधी आंदोलन चला तो उन्होंने उसका समर्थन किया तो राजगोपालाचारी यह मान चुके थे कि जो हिंदी के ना के को राजभाषा बनाने की मांग है असल में वो लोकतांत्रिक मांग नहीं है बल्कि वह एक प्रतिगामी पीछे ले जाने वाला कदम साबित हो सकता है क्योंकि एक भाषा जिसमें ज्ञान हमारे देश में आया जिसमें कई लोगों ने सीखा जिसे जिस भाषा को कई लोग अपना चुके हैं उसे हटाना अलोकतांत्रिक होगा और एक ऐसी भाषा जो कि देश की एक बड़े भाग की भाषा है लेकिन देश के दूसरे भागों के लोग उसे बोलने में सहज नहीं हैं, उसे लागू करना एक अलोकतांत्रिक कदम होगा तो इस लिहाज से वो यह मानते थे कि हिंदी को लागू करना जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनके ऊपर एक जोर जबरदस्ती होगी और इसके आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया पिछड़ों की सहायता के लिए उन्होंने आर्थिक आधार पर जोर दिया भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद राज्य विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह मांग भी उठ रही थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम अपनाया जाए 18 अक्टूबर 1960 में को उन्होंने यानी कि राजगोपाल आचार्य ने स्वराज्य में एक लेख लिखा इसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आर्थिक कसौटियों पर आधारित होना चाहिए इन्होंने लिखा कि एक तरफ हम जाति को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पिछड़े समूहों के उत्थान के सारे प्रावधान जाति के आधार पर बनाए गए हैं यह गलत प्रक्रिया है और राष्ट्र की जाति को ना मानने की विचारधारा के खिलाफ है उन्होंने आगे लिखा कि इसलिए जरूरी है कि पिछड़े तबकों के उत्थान के लिए आर्थिक आधार पर नीतियाँ बनाई जाएँ राजगोपालाचारी के अनुसार इससे शोषण रुकेगा और ऐसी नीतियों को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा वे समाज के सभी तबकों के बच्चों को समुचित शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल देते हैं जिससे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल पाए और यह एक ऐसा विचार है जो कि वर्तमान समय में कुछ हद तक विवादास्पद भी माना जा सकता है लेकिन राजगोपालाचारी ने इस बात को साफ किया कि और एक तरीके से उन्होंने इस विडम्बना पर भी की तरफ भी ध्यान दिलाया कि एक तरफ यह बात की जाती है कि हम जाति मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हर तरह की कल्याणकारी नीति जाति पर आधारित होती है तो उन्होंने ये कहा कि इसके बजाय आर्थिक कसौटी को आधार माना जाना चाहिए हालांकि यह बात साफ़ है कि यह उन्होंने यह बात उन्होंने पिछड़ी जातियों या जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में दर्ज किया गया बाद में उनकी भलाई के लिए कार्यक्रम बनाने के संदर्भ में कही और वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे करके जो जाति का प्रभाव है वह सामाजिक जीवन में कम हो और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कल्याण की नीतियां हैं वो आर्थिक आधार पर बने तो यह जो तर्क है वह कई बार उभर कर सामने आया हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी आ, अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि जो जाति आधारित आरक्षण है उसमें कोई समस्या नहीं है और कई बार यह तर्क दिया गया है कि चूंकि समाज में जो विषमता है समाज में जो असमानता है हर जीवन के हर भाग में वो असमानता असल में जाति के कारण है जाति के आधार पर है इसलिए जो सुविधाएं हैं वह भी जाति के आधार पर दी जानी चाहिए तो एक लंबा वाद विवाद है लेकिन उस लंबे वाद विवाद में हम यह कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी ने एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन किया महत्वपूर्ण तर्क दिया और हालांकि अब इस तर्क को आ, उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं माना जाता है पर फिर भी आ, उनका यह कहना ज़रूर महत्वपूर्ण है कि क्या एक तरफ हम जाति को समाप्त करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हर कार्यक्रम हम जाति के आधार पर बनाते हैं यह सही है या नहीं तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे वो प्रस्तुत करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं कि यह सही नहीं है लेकिन निश्चित रूप से इसमें कई तरह की सीमाएं भी हैं जिन पर हम आगे विचार करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जो कि राजगोपालाचार्य के लेखन में सामने आता है वह चुनाव सुधारों के संदर्भ में है उन्नीस में के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस को तीसरी बार जीत मिली राजगोपालाचारी ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लेख लिखते हुए चुनाव सुधारों का मुद्दा उठाया इस लेख में उन्होंने रेखांकित किया कि भारत में चुनाव सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका हुआ है बड़े उद्योगपति और व्यवसायी इसे प्रभावित कर सकते हैं यह प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है उन्होंने सुझाव दिया कि मतदाताओं को पहचान पत्र और क्रम संख्या दिया जाना चाहिए। उन्होंने बढ़ते चुनाव खर्च पर चिंता जताई और इस बारे में आवश्यक सुधार करने पर बल दिया वे यह भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री और सांसदों के चुनावों को अलग किया जाए पहले स्तर पर देश का नेतृत्व करने वाले नेता का चुनाव हो और फिर दूसरे स्तर पर सांसदों का चुनाव हो उनका जोर इस बात पर था कि चुनाव आयोग को पूरी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए रेडिकल तरीके से सोचना चाहिए आ, असल में चुनाव सुधारों का ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अलग अलग जो चिंतक हैं उन्होंने बात की और और चुनाव सुधारों को उन्होंने पूरी राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़कर भी देखा अगर हम एम एन रॉय को देखें या जयप्रकाश नारायण को देखें विनोबा भावे को देखें तो इन सब के लेखन में एक चिंता झलकती है कि दलों के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं वो किस तरीके से एक वह मनुष्य भी पैदा कर रहे हैं प्रतिनिधि वास्तविक अर्थों में जनता का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं या नहीं यह भी एक समस्यापूर्ण बात है तो उस संदर्भ में जो राजगोपालाचारी की मुख्य चिंता है वह इन पहलुओं की तरफ ज़्यादा नहीं जाती है जितना इस पहलू की तरफ चुनाव की प्रक्रिया में सुधार करने की ज़रूरत है और उनकी जिस मुद्दे को वो उठाते हैं राजगोपालाचारी वह काफ़ी हद तक हमें वर्तमान समय में भी प्रासंगिक लग सकता है हम सब यह जानते हैं कि चुनाव जिस तरीके से होते हैं उसमें जो आ, उन दलों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है जिनके पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा होते हैं यह भी सच है कि उद्योगपति जो हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो चुनावों को प्रभावित करते हैं और यह भी सच है कि जो दल सत्ता में होते हैं जो सत्ताधारी दल होते हैं वो आर्थिक संसाधनों के लिहाज से और कई बार मीडिया पर नियंत्रण के लिहाज से भी जो पूरा चुनाव की रूप जो पूरी रूपरेखा है उसको अपने पक्ष में झुकाने में सफल हो जाते हैं उन्नीस के लोकसभा चुनावों में नेहरू की जीत के संदर्भ में उन्होंने इस बिंदु को बार बार और जोर देकर रेखांकित किया और वो ये कहते हैं कि चुनावों की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए और जो एक महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिया गया है वह इस बात से संबंधित है कि पहचान पत्र की व्यवस्था होनी चाहिए और जो दूसरा एक सुझाव है वह इस बात से है कि पहले एक प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो जाए और फिर सांसदों का चुनाव अलग से हो यानी कि वो सांसदों के चुनाव को प्रधानमंत्री के चुनाव से अलग करना चाहते थे शायद उन्हें यह उम्मीद थी कि एक व्यक्ति जैसे नेहरू जो काफ़ी लोकप्रिय थे वो अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो फिर नीतियों के आधार पर कार्यक्रमों के आधार पर जो विपक्षी दल हैं वो अपने ज़्यादा सांसदों को चुनाव जितवाने में सफल हो सकते हैं तो इसके माध्यम से वह यह चाहते थे और काफ़ी हद तक यह मांग जो अमेरिका में राष्ट्रपति की प्रणाली है उसके आधार पर उसके आसपास ठहरती है यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो कांग्रेस है और जो प्रतिनिधि सभा है और जो दूसरे आ, सीनेट है कॉसिनट और इस दोनों का जो चुनाव होता है वो अलग अलग होता है राष्ट्रपति के चुनाव से तो ये एक जो प्रक्रिया है उसको वो काफ़ी हद तक वो ठीक करना चाहते थे तो भारत के संदर्भ में भी इसे वो लागू करने की एक वकालत करते हैं उनके कुछ सुझाव काफ़ी रेडिकल हैं काफ़ी अच्छे हैं कुछ ऐसे सुझाव हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा नब्बे के दशक में ही अपना लिया गया जैसे चुनाव पहचान पत्र जारी करने की बात है तो इस रूप में वो एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में सामने आते हैं और उनके यह विचार काफ़ी हद तक समकालीन समय में भी प्रासंगिक हैं राजगोपालाचार्य के जो विचार हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जैसे जैसे देश में लोकतंत्र के लिए अलग तरह के मुद्दे आए उन्होंने उस पर विचार किया अपनी टिप्पणियाँ दी और उनकी बहुत सारी टिप्पणियाँ रेडिकल हैं बहुत सारी टिप्पणियाँ जैसा मैंने कहा कि समकालीन समय में प्रासंगिक लगती हैं और ऐसा लगता है कि यह लेखन किसी चिंतक ने हाल फिलहाल के दिनों के लिए किया है मिसाल के तौर पर जो उनके आर्थिक विचार हैं जो मुक्त बाजार की वो तरफदारी कर रहे हैं वह ऐसा ही लेखन प्रतीत होता है और वह 1990 के बाद जो देश में आर्थिक समस्या आई आर्थिक संकट आया उस समय के लिए एक प्रासंगिक लेख लगता है लेकिन फिर भी राजगोपालाचार्य के विचारों में कई तरह की सीमाएं सामने आती हैं मिसाल के तौर पर जिस रूप में वो मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफदारी करते हैं वह अपने आप में एक यूटोपियाई ख्याल प्रतीत होता है और वो जिस रूप में कहते हैं कि संपत्तिशाली लोगों पर टैक्स ना लगाया जाए बल्कि उनकी उन्हें उनके भीतर ये भावना को जन्म देने का मौका दिया जाए कि वो अपने संपत्ति के ट्रस्टी हैं तो यह भी एक यूटोपियाई ख्याल लगता है और उनके द्वारा न्यूनतम राज्य या न्यूनतम प्रशासन इत्यादि पर जोर देने की बात 1990 के दशक में भी काफ़ी हद तक एक आश्चर्यजनक बात लगती थी लेकिन जब 50 और 60 के दशक में वो ये बात कह रहे थे तो वो उस समय और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक थी आश्चर्यजनक क्यों थी क्योंकि भारत की जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और अभी भी वो है वो वंचित है वो अपने स्तर पर आर्थिक पहल करने में बहुत समर्थ नहीं है समाज के कुछ ऊपरी तबके ही ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से इतना मजबूत हैं कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें खुला बाज़ार मिले उन्हें राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप हस्तक्षेप ना मिले राज्य उनकी गतिविधियों में कोई दखलअंदाजी ना करे उन पर कम से कम टैक्स लगाया जाए लेकिन राज्य का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको लगातार राज्य से सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता होती है इस लिहाज से मुक्त अर्थव्यवस्था या फ्री इकोनॉमी के समर्थन में जो राजगोपालाचारी ने तर्क दिए वह बहुत ही एक किस्म के लगते हैं समकालीन लगने के बावजूद और समकालीन समय प्रासंगिक होने के बावजूद वे तर्क ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक समाज में जो पहले से ही संपत्तिशाली लोग हैं जो संसाधन वाले लोग हैं उनके पक्ष में झुके हुए तर्क हैं और इस बात में कोई आश्चर्य की, की बात नहीं है कि जो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई उसमें ऐसे ही पूरे रजवाड़ों और जो जो पूर्व जमींदार थे उनका व्यापक समर्थन था तो आर्थिक विचार उस समय की माहौल के हिसाब से साहसिक जरूर थे लेकिन वह विचार पूर्ण नहीं थे उन विचारों में कई खामियां थीं और यह कहना सही है कि उस समय और ज़्यादा और मौजूदा समय में भी राज्य के हस्तक्षेप की ज़रूरत है ताकि जो समाज में पिछड़े हुए समूह हैं वंचित समूह हैं उनको मदद मिल सके दूसरा कि वो आर्थिक आधार पर कल्याणकारी काम चलाने का पक्ष लेते हैं उसके बारे में हमने पीछे चर्चा की है जो बुनियादी बात है वह यह कि राजगोपालाचार्य इस बात की शिनाख्त करने में असफल रहते हैं कि असल में जो समाज में भेदभाव है जो समाज में असमानता है जो समाज में वंचित तबकों के साथ बुरा बर्ताव है उसका सबसे मजबूत आधार जाति ही है इसलिए जाति के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए वो यह मानते हैं कि अगर जाति के आधार पर राज्य लोक कल्याणकारी काम ना चलाए तो जाति का प्रभाव कम होगा उनका यह मानना बिल्कुल ही सही नहीं है बल्कि हकीकत यह है कि जैसे जैसे पिछड़ी जातियों के या दलित जातियों के या आदिवासी समूहों के लोग नौकरियों में आए हैं वैसे वैसे भले ही ऊपरी तौर पर यह लगता हो कि एक द्वंद्व बढ़ रहा है लेकिन हकीकत यह है कि इससे जो उच्च जातियां हैं या समाज के जो ऊपरी तबके हैं उनका वर्चस्व टूटा है तो इस लिहाज से जाति के के बारे में चर्चा होने से जाति मज़बूत होती है यह मानना भी सही नहीं है और जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में भी बहुत सारे मजबूत तर्क हैं तीसरे स्तर पर वे हिंदी को आधुनिक ज्ञान का में समर्थ भाषा नहीं मानते हैं निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों को बदले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक समय पर हिंदी का समर्थन करते हैं और कुछ दशकों के बाद वो हिंदी का विरोध करते हैं और हिंदी का विरोध करते हुए वो कई महत्वपूर्ण तर्क देते हैं उन महत्वपूर्ण तर्कों से एक तरह की सहमति भी लोगों की हो सकती है जैसे मैं भी उनके बहुत सारे तर्कों से खुद को सहमत पाता हूँ लेकिन आ, कई बातें जो हैं वो एक बनी बनाई धारणा पर आधारित हैं मिसाल के तौर पर वो यह कहते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है और हिंदी सिर्फ अनुवाद की भाषा है यह बात कुछ मायनों में सही है लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ज्ञान को ज्ञान की भाषा मानना अपने आप में सही नहीं है बहुत सारे जो वैज्ञानिक हुए हैं या समाज वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अंग्रेजी में लेखन नहीं किया खुद अंग्रेजी के लोगों ने अनुदित साहित्य के माध्यम से उसे पढ़ा मिसाल के तौर पर हम कार्ल मार्क्स का नाम ले सकते हैं या उन वैज्ञानिकों का नाम ले सकते हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन में रहते हुए या जर्मनी में रहते हुए या जापान में रहते हुए या चीन में रहते हुए अपना शोध कार्य किया उन्होंने असल में अंग्रेजी के बजाय अपने देश की भाषा में उस काम को किया था तो इसलिए यह मानना कि अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है यह अपने आप में एक तरह की गलत समझ को दिखाता है और यह मानना भी बिल्कुल सही नहीं है कि जो हिंदी है वो संप्रेषण की एक आधुनिक भाषा नहीं है या वो आधुनिक भाषा नहीं बन सकती है तो इस तरीके से हिंदी को लेकर जो उनकी धारणा है और अंग्रेजी को लेकर जो उनकी धारणा है दोनों में ही कई सीमाएं सामने आती हैं और यह एक तरीके से दिखाता है कि राजगोपालाचारी अपने समय की राजनीति से प्रभावित होकर भी अपने विचारों को बदल रहे थे हालांकि उनका यह कहना बिल्कुल सही था कि देश के किसी भी जनसंख्या पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए और इस तरीके से भाषा के बारे में निर्णय लेने का आधार जनसंख्या नहीं हो सकती है यह बात नहीं हो सकती है कि किस भाषा को बोलने वाले कितने लोग हैं तो राजगोपालाचारी जो थे निश्चित रूप से एक बहुत ही आ, विशद लेखन करने वाले लेखक थे और एक बहुत बड़े और महान राजनीतिक कार्यकर्ता थे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने देश के राजनीतिक बहसों में देश की राजनीति में जीवन पर्यंत एक हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप के माध्यम से उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में अपनी चिंता जाहिर की भारतीय लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए काम किया उन्होंने हर उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया जिससे भारतीय लोकतंत्र का स्वास्थ्य प्रभावित होता था वह नेहरू के बहुत नजदीकी होने के बावजूद नेहरू के प्रभुत्व का और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का विरोध कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि देश में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो उभर कर सामने आए इस लिहाज से वो एक ऐसे महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्हें हम सबको पढ़ना चाहिए जिनके बारे में हम सब लोगों को जानना चाहिए और वो एक दक्षिणपंथी विचारक के रूप में सामने आते हैं जो उस समय आर्थिक नीतियों को उदारीकरण की बात कर रहे थे जब हमारे देश में एक तरीके से समाजवादी नीतियों या नियोजन की नीतियों पर सहमति बनी हुई थी तो इस लिहाज से भी यह उनके एक दूरदर्शी चिंतक होने की बात को साबित करता है कुल मिलाकर राजगोपालाचारी को पढ़कर हम उस दौर की भारतीय राजनीति की राजनीतिक और वैचारिक विविधता को समझ सकते हैं और हम यह समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारे देश में कई महत्वपूर्ण नेता थे वह राष्ट्रीय आम सहमति के दौर में भी अपने विचारों को खुलकर सामने रख पा रहे थे और उन राजनेताओं में राजगोपालाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था राजगोपालाचार्य के जीवन उनके कृतित्व व्यक्तित्व और राजनीतिक विचारों के बारे में मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं और मुझे यह उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको राजगोपालाचार्य के बारे में एक संक्षिप्त और गहन परिचय मिल पाया होगा हम अगले अंक में मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में आपसे बातचीत करेंगे आपसे उनका परिचय कराएंगे। नमस्कार